नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडुटेकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीएस के प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि रेलवे एनटीपीसी और आरबीजेई के एग्जाम से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस कर दिया है, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 को अभी तक नहीं देखा दोस्तों देख लें, वो आपके आरआरबीजेई और एनटीपीसी के एग्जाम से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अच्छे से डिस्कस कर लीजिए आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जीएस प्रैक्टिस सेट 4 में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस पर एक लाइक आप जरूर कर दिया करें। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आज प्रैक्टिस सेट में प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में पूर्वोत्तर के किन आतंकी संगठनों पर 5-5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों आपको बताया कि हाल ही में पूर्वोत्तर के कौन से आतंकी संगठन जिन पर 5-5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल इंडिया टाइगर फोर्स, इस तरह ऑप्शन ए और बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों, दोस्तों जैसे कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को हाल ही में 5-5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, इन दोनों आतंकी संगठनों को दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 5-5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों अपराध देखिएगा, नाम इनका याद रखिएगा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को इन पर अक्टूबर माह में केंद्र सरकार के द्वारा 5-5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कि आतंकी संगठन एक हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, विथ विच ओरिजिनल फोरम विल चाइना इनिशिएट इट्स फर्स्ट एनुअल एक्सरसाइज, कहें तो किस क्षेत्रीय समूह के साथ चीन ने अपने पहले समुद्री अभ्यास का आयोजन किया या करने करेगा। दोस्तों आसियान, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों हाल ही में चीन ने आसियान के साथ समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, तब इसे याद रखिएगा। दोस्तों अक्टूबर 2000 जो चीन है, दोस्तों चीन देश के साथ जो एक क्षेत्रीय समूह है आसियान के साथ समुद्री अभ्यास किया गया अक्टूबर माह में, यहाँ पे से याद रखिएगा 20 अक्टूबर में, ये 9 दिन का सैन्य अभ्यास था जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, अब इसे याद रखिएगा। दोस्तों चीन द्वारा ये पहला क्षेत्रीय समूह है जिसके साथ समुद्री सैन्य अभ्यास किया गया आसियान के साथ, तो आप इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूँ, इस जो सैन्य अभ्यास था जो चीन और आसियान के बीच किया गया, इस सैन्य अभ्यास को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था पेरिस एंड फ्रेंडशिप, पेरिस एंड फ्रेंडशिप 2018, इस सैन्य अभ्यास को, समुद्री सैन्य अभ्यास को नाम दिया गया था, इसे भी याद रखेगा। जो दोस्तों चीन और एक क्षेत्रीय समूह है आसियान के बीच जो अक्टूबर में समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था उसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था पेरिस एंड फ्रेंडशिप 2018, तो इसे भी याद रखेगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ गौरी और बैलिस्टिक मिसाइल फेस्ड बाय पाकिस्तान, हिंदी में कहें दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान ने गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल की मारक क्षमता दोस्तों को बताने के, जो हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा गौरी नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, उस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, वह कितनी दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। तो दोस्तों टोटल 1300 किलोमीटर की मारक क्षमता है गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि पाकिस्तान के द्वारा परीक्षित की गई। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह आप याद रखिएगा, हाल ही में गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का पाकिस्तान के द्वारा परीक्षण किया गया, जिसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों, जिसकी जो लक्ष्य भेजने की क्षमता है वो है 1300 किलोमीटर तक, अभी से याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, इन विट्स रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज़ परमिटेड द एंट्री ऑफ वुमेन इन अयप्या या सबरीमाला टेम्पल, द नंबर ऑफ जजेज इन हिज इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाज, हिंदी में कहें दोस्तों हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी है। तो दोस्तों उक्त संवैधानिक पीठ जिसके द्वारा ये महिलाओं के प्रवेश को सबरीमाला मस्जिद में दोस्तों अनुमति दी गई है, उस बेंच में, उस संवैधानिक पीठ में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों टोटल 5 सदस्य, 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने दोस्तों, 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने दोस्तों सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी है, जिसमें तो आप इसे याद रखें दोस्तों 5 जजों की बेंच बैठी जिसके द्वारा दोस्तों ये फैसला दिया गया कि सबरीमाला मंदिर में अब महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको बताते हैं, जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल राज्य में है, तब इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, जो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है, जिसको इससे पहले दोस्तों महिलाओं के प्रवेश 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को दोस्तों इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था, तब इसे भी याद, सॉरी 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश निषेध था दोस्तों, तो इस
इस फैसले के बाद अब किसी भी उम्र की महिलाएं दोस्तों मंदिर में बिना रोक टोक के अब दर्शन कर सकती हैं सबरीमाला मंदिर में। तब इसे भी याद रखिएगा। तथा बता दूं दोस्तों इसकी जो मुख्य अध्यक्षता थी, जो मुख्य न्यायाधीश थे जब इस फैसले को आय दिया गया सबरीमाला मंदिर के, तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश हमारे थे वो थे दीपक मिश्रा। तब इसे भी याद रखिए दोस्तों, दीपक मिश्रा इस समय उस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश थे जब यह फैसला दिया गया सबरीमाला मंदिर का। तब इसे याद रखिएगा। अगला है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। दोस्तों को बताएं कि हाल ही में जो विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी किया गया 2019 की, उसमें शीर्ष स्थान पे पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। शीर्ष स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर जो देश था वो था न्यूजीलैंड। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज़ दोस्तों, और दूसरे नंबर पर सिंगापुर था तथा तीसरे नंबर पर डेनमार्क था। दोस्तों आप ऊपर के तीन देशों का नाम याद रख सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में कौन कौन से थे। तो पहले नंबर पे न्यूजीलैंड था दोस्तों, दूसरे नंबर पे सिंगापुर था तथा तीसरे नंबर पे दोस्तों डेनमार्क था। तो आप ऊपर के तीन देशों का नाम याद रखेगा दोस्तों, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में टॉप थ्री के थे। इसके साथ दोस्तों आपको बता दो, भारत की जो रैंक थी हमारे देश भारत की जो रैंक थी दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में वो थी 77वीं, यानी 77th रैंक थी इंडिया की। इस बार के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 जारी की गई है उसमें हमारे देश भारत की 77वीं रैंक थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑनर्ड ऑस्कर अवार्ड ऑफ बेस्ट पॉलिसी फॉर हिज बेस्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीज। हिंदी में कहें दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृषि नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नीतियों का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ नीतियों का ऑस्कर पुरस्कार हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री को, जो कि पवन चामलिंग है, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री दोस्तों पवन चामलिंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नीतियों के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको बता दूँ, ऑर्गेनिक खेती वाला अब सबसे पहला राज्य भारत का सिक्किम है। इसके बाद दोस्तों प्रथम ODF फ्री, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त राज्य भी सिक्किम है। तो दोस्तों सिक्किम को बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हैं भारत में। एक चीज़ फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रथम ODF फ्री या ओपन डिफिकेशन फ्री या खुले में शौच से मुक्त पहला राज्य जो भारत का था वो था सिक्किम ही था। उसके बाद दोस्तों प्रथम जैविक कृषि वाला राज्य भी सिक्किम ही था। तो अब इसे भी याद रखें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा सिक्किम राज्य को दोस्तों हाल ही में उसकी कृषि नीतियों के लिए हाल ही में उसके जो मुख्यमंत्री को सर्वश्रेष्ठ नीतियों का ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। आपको बता दूँ वर्तमान में जो सिक्किम की राजधानी वो गंगटोक है। तथा आपको बता दूँ जो सिक्किम है वो पूर्वोत्तर का भारत का राज्य है। तथा आपको बता दूँ ये जो सिक्किम की वर्तमान टाइम में मुख्यमंत्री है वो है पवन कुमार चामलिंग। तो पवन कुमार चामलिंग को दोस्तों नीतियों के सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर से सम्मानित किया गया। तब इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों, द मैसियो ऑफ थर्ड पैरा ओलंपिक गेम्स कंक्लूडेड इन इंडोनेशिया वाज। हिंदी में कहें तो इंडोनेशिया में संपन्न तीसरे पैरा एशियाई खेलों का शुभंकर कौन था। तो दोस्तों मोमो नामब दोस्तों हाल ही में जो पैरा ओलंपिक खेल एशिया में संपन्न हुए उनका जो शुभंकर था वो था मोमो नामब। आप याद रखें दोस्तों, मोमो नामब हाल ही में संपन्न तीसरे पैरा एशियाई खेलों का शुभंकर था। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैसियो या शुभंकर कौन था हाल ही में तीसरे पैरा एशियाई खेलों का, तो वो था मोमो नामब। तो आप इसे याद रखिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, तीसरा पैरा एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था इसको भी याद रखना आपको, इंडोनेशिया में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंडोनेशिया में तीसरा इस बार का पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था जिसका शुभंकर था मोमो नामब। हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, विच वाज द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। हिंदी में कहें तो सुभाष चंद्र बोस के निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा वर्ष 1939 ईस्वी में, आप याद कर सकते हैं, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद, कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें आपको याद रखें दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो कि थे भारतीय क्रांतिकारी, इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना वर्ष 1939 ईस्वी में की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने तुरंत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सांप्रदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी। आपको बताएं दोस्तों कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है अलग मतदाताओं के लिए एक
की पेशकश कौन से एक्ट के तहत किए गए थे दोस्तों? वर्ष 1919 का एक जो एक्ट था, सॉरी वर्ष 1909 का जो एक्ट था, एक्ट ऑफ 1909 था, उसी के तहत दोस्तों मुसलमानों के अलग से प्रतिनिधित्व, अलग से मतदाताओं का पेशकश की गई थी इस एक्ट के जरिए। तो आप इसे भी याद रखें कि दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात थी मुस्लिमों के लिए वर्ष 1909 के एक्ट में की गई थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्ट को। इसी के तहत दोस्तों मुसलमानों में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1909 का एक्ट किससे संबंधित था? वो था मुसलमानों के पृथक निर्वाचन से संबंधित था। तो इसे याद रखिएगा। अगला है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो दोस्तों यदि किसी अनुसूचित जनजाति को किसी जनजाति को दोस्तों अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से हटाना है तो उसे ऐसा जो शक्ति है वो सांसद के को प्राप्त, यानी संसद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से हटाया जा सकता है। दोस्तों ऐसा जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 342 के खंड दो में किया, अनुच्छेद 342 के भाग दो में दोस्तों ऐसी व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा किसी भी जनजाति को दोस्तों अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया जा सकता है। ऐसी जो व्यवस्था है दोस्तों वो की गई है अनुच्छेद 342 के भाग दो में। तब इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला दोस्तों, सनलाइट रीचेज ऑल इन हाउ मेनी मिनट्स, हिंदी में कहें तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, टोटल 8 मिनट में धरती पे पहुंचती है हमारे पास। तब इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। जो सनलाइट है, जो सूर्य के प्रकाश है, वह टोटल 8 मिनट लेता है धरती पर पहुँचने के लिए। तब इसे याद रखिएगा। अगला दोस्तों, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाता है? तो दोस्तों एक्सीलरेशन यानी त्वरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो एक वेग समय ग्राफ होता है वो त्वरण के ढलान को दर्शाता है, यानी एक्सीलरेशन के ढलान को दर्शाता है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों, वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग बिकॉज, हिंदी में कहें दोस्तों हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने को सक्षम है क्योंकि, तो दोस्तों किस बल के कारण? पृथ्वी के घर्षण बल के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण दोस्तों हम पृथ्वी पर बिना फिसले हुए चल पाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, घर्षण बल के कारण पृथ्वी पर बिना फिसले हुए ही चल पाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, आपको बताएं कि जो किसी गैस का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? दोस्तों उसके वाष्प से दुगुना होता है, ट्वाइस इस वेपर प्रेशर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किसी गैस का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो उसके वाष्प दाब से दुगुना होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? आणविक द्रव्यमान इक्वल टू 2 × वाष्प दाब, ये फार्मूला होता है दोस्तों। आणविक द्रव्यमान का ये फॉर्म होता है 2 × वाष्प दाब दोस्तों। इस तरह हो जाएगा, किसी गैस का जो आणविक द्रव्यमान है वो उसके वाष्प दाब के दुगुना होता है। तब इसे याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि, तो दोस्तों अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील इसलिए होता है क्योंकि उसका पानी से क्वथनांक कम होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो अल्कोहल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए वो अधिक वाष्पशील होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो अल्कोहल होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो पानी से कम होने के कारण वो पानी से अधिक वाष्पशील होता है। तब इसे याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, हिंदी में कहें तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है? तो दोस्तों ग्रेफाइट, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। तब इसे भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक प्रतिरूप होता है, एक अपरूप होता है। इसे भी याद रखें, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का ही एक अपरूप होता है जो कि विद्युत का अच्छा चालक होता है। अगला दोस्तों, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, हिंदी में कहें तो हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों जो हवा का वेग है उसके मापने के यंत्र को एनेमोमीटर कहा जाता है। एनेमोमीटर के द्वारा जो हवा का वेग मापा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। एनेमोमीटर के द्वारा हवा का वेग मापा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कम ताप मात्रा पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? दोस्तों को बताना कि जो कम ताप मात्रा पर जो शीशा होता है, जो लेड होता है, वो किस रूप में बर्ताव करता है? तो दोस्तों कम तापमाप पर शीशा श्रेष्ठ चालक सुपर कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। जो
शीशा होता है जो लेड होता है, वो उसको अत्यधिक कम ताप पर वो अच्छे श्रेष्ठ चालक का बर्ताव करता है। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं, अगला है 19वां प्रश्न, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। हिंदी में कहें दोस्तों, दूध को दही में बदलने के लिए उपयोग में कौन सा उत्प्रेरक लाया जाता है। तो दोस्तों रेनिन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रेनिन जो एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है, वो उसका उपयोग दूध को दही में बदलने के लिए किया जाता है। तब इसे याद रखिएगा दोस्तों, रेनिन का जो उपयोग है उसको दूध से दूध को दही में बदलने के लिए किया जाता है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है रेनिन, तो आप इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन को दोस्तों, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंग दैर्ध्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा। दोस्तों आपको पता है कि यदि किसी फोटॉन इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की जो तरंग दैर्ध्य है वो समान होगी तो उनके बीच क्या समान और होगा। तो दोस्तों उनका और क्या समान होगा, तो दोस्तों रैखिक संवेग, लीनियर जो उनका जो इनका रैखिक संवेग समान होगा। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जब किसी के फोटॉन या इलेक्ट्रॉन का जो, अगर मान लीजिए कि वेव लेंथ या तरंग दैर्ध्य समान हो तो उसके बीच उनका लीनियर मोमेंटम या रैखिक संवेग भी समान होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि RRB JEE और LLB NTPC के एग्जाम से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इस पर एक लाइक आप जरूर कर दिया करें। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।